अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एग्जीक्यूटिव ब्लॉग ब्रिज की 20th दिसंबर 2021 की लेटेस्ट फुटेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस टाइम जो आप अपनी स्क्रीन पे फुटपाथ का काम देख रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी में है। 27 नवंबर को मैंने आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ब्रिज के स्लैब्स का काम मुकम्मल हो चुका है और उसके ऊपर शटरिंग का काम चल रहा है, जो कि आप आई बैटन के ऊपर राइट साइड पे देख सकते हैं। 20th दिसंबर 2021 की लेटेस्ट फुटेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर राइट साइड का ब्रिज ऑलमोस्ट फिनिशिंग के करीब है, जबकि लेफ्ट साइड पे कनेक्टिंग रोड के ऊपर फाइनल स्लैब इंस्टॉल कर दी जाएगी। ब्रिज तो मुकम्मल हो ही जाएगा, लेकिन ओवरसीज प्राइम से ब्रिज तक की कनेक्टिंग रोड के ऊपर अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, मुकम्मल छोड़ें इस पर काम शुरू तक नहीं हुआ। ये लैंड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो कनेक्टिंग रोड है जिसका मैं अभी तस्करा कर रहा हूँ कि इस पर अभी तक सोसाइटी ने कोई भी डेवलपमेंट का आगाज़ शुरू नहीं किया। कनेक्टिंग रोड अगर मुकम्मल नहीं होगी तो लोग इस ब्रिज के ऊपर कैसे जाएंगे? और इस ब्रिज के लेफ्ट साइड पे ओवरसीज प्राइम तक कच्ची रोड तो ऑलरेडी जा रही है, तो अगर हमने कच्ची रोड से ही इस ब्रिज तक आना है तो फिर इस कच्ची रोड के साथ ही इस पुल के नीचे कच्चा रोड तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ चल रहा है, तो फिर हमें इस ब्रिज का मकसद क्या है? इस ब्रिज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो तभी मुमकिन है जब इसके साथ ओवरसीज प्राइम की कनेक्टिंग रोड मुकम्मल होगी, इन शॉर्ट एक व्हीकल का प्रॉपर ट्रैक अवेलेबल होगा। डेवलपमेंट को देखते हुए 2022 15 से 20 जनवरी के बीच में ये ब्रिज मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए आप ये ब्रिज देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरसीज प्राइम से अकलौती वाहिद इंट्रेंस या एक्सेस सिर्फ इसी ब्रिज से है, इसीलिए ब्रिज अपने आखिरी मराहिल में है, जबकि इसके साथ इसकी कनेक्टिंग रोड ओवरसीज प्राइम सेक्टर एच के मिड तक ही मुकम्मल हुई है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के इस ब्रिज तक, उस रोड तक अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। लेट्स सी सोसाइटी कब उस पे काम शुरू कर रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ओवरसीज वन की मंथली अपडेट के साथ शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़।